जी हाँ, इस बार जिनके कैटरीना पर लड्डू होने की खबर आई है वो हैं कमाल राशिद खान, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो भेज रहे हैं कैटरीना कैफ को रिपीटेटिव मैसेजेस। इसीलिए जूम ने की इस खबर का सच पता करने की कोशिश। तो पता चला कि कैट को किसी अननोन नंबर से एसएमएस मिलने की बात तो हुई कंफर्म, पर कमाल के मैसेज करने की बात में नहीं निकला कोई दम। कमाल तो कैटरीना के कायल निकले। सलमान भाई और रणबीर दोनों ही मेरे भाई की तरह है, तो जाहिर सी बात है कैटरीना तो मेरी भाभी जैसी हुई। उनको मैं तो एसएमएस भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यानी गॉसिप के गलियारों में आई इस सुनी सुनाई बात में इतनी सच्चाई जरूर है कि कमाल भी कैटरीना के उन्हीं दीवानों में शामिल हो गए हैं जिनकी दीवानगी की खबरें आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। कोई चंडीगढ़ में मेरे ब्रदर की दुल्हन के शूट पर कैटरीना के लिए शादी का जोड़ा और शगुन लेकर पहुंच जाता है, तो कोई कैटरीना के लिए अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है, जैसे हुआ था राजनीति के शूटिंग शेड्यूल के वक्त भोपाल में, जब कैटरीना का एक दीवाना कैटरीना के लिए अपनी जान दे बैठा था। और अगर इस बार की ये खबरें भी सही हैं, तो इसी लिस्ट में कैटरीना का ये नया दीवाना भी शामिल हो गया है। पर फर्क तो तभी पड़ेगा जब खुद कैटरीना लेंगी अपने ऐसे फैंस के पागलपन और दीवानगी को थोड़ा सा भी सीरियसली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।